हिंदू धर्म में पितरों को देवता के रूप में पूजा जाता है। पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। कुंडली में पितृ दोष कैसे बनता है, आइए उज्जैन के पंडित से जानते हैं विस्तार से। जी, सनातन धर्म में कुंडली का बड़ा महत्व कहा गया है और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। कोई पिंडदान करता है, कोई तर्पण करता है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि पितृदोष किस प्रकार बनता है और इसका निवारण क्यों कैसे किया जाता है तथा इसका क्या कारण होता है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो लग्न भाव में तथा पंचम भाव में राहु केतु की आदि की अनेक ग्रहों की युतियों से पितृदोष का निर्माण होता है। यह पितृदोष या तो किसी सर्प को मारने पर या किसी बड़े अपने बड़े परिवार या रिश्तेदार का संबंधी को मारने पर ये पितृदोष की उत्पत्ति होती है। पितृदोष के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बार बार इसमें मांगलिक कार्य में बाधा आना तथा कार्य का न बनना तथा बुरे स्वप्न आना, ये इसका संकेत कहा गया है। इन पितृदोष की शांति हेतु श्राद्ध पक्ष में या अन्य दिनों में भी हम पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है तथा उनके लिए दीप भोग दान आदि दिया जाता है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और वो संतुष्ट होकर के पितृ शांति होती है। यह कार्य करने पर ही पितृ शांत होते हैं और श्राद्ध पक्ष का तो बड़ा महत्व कार्य है। श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति अपने पितरों की शांति हेतु कोई पिंड दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई अनेक प्रकार के दान आदि देता है और दीन दुखियों की सेवा करता है और भूखे को अन्न आदि ये देने से पितरों को संतुष्टि होती है। तो यह चाहिए कि हमें हमारे घर पर आने वाले सभी अतिथियों का सत्कार करें तथा बड़ों का कभी अपमान न करना चाहिए। बड़ों का अपमान करने तथा उनको मारने से पितृदोष उत्पन्न होता है।